डाल्टनगंज से यह पलामू किला 30 किलोमीटर दूर है और बेतला नेशनल पार्क से यह 5 किलोमीटर की महज दूरी पर है और लातेहार जिला से यह 75 किलोमीटर की दूरी पर है। देश भर की दूर दूर की सैलानी अपने जहन और कैमरा में तस्वीरों को कैद करने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर प्रकृति का भी अद्भुत सौंदर्य मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर दो किला है, एक किला को पुराना किला और दूसरा को नया किला के नाम से जाना जाता है। दोनों किला को संयुक्त रूप से पलामू किला के नाम से जाना जाता है। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के शासन काल में हुआ था और नया किला का निर्माण राजा मेदिनी राय के शासन काल में हुआ था। यह पुराना किला है। पुराना किला के ऊपर से देखने पर नीचे का कुछ दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए गाड़ी और दूर दूर पर पहाड़ और ये पलामू किला का पुराना दृश्य। चलिए दोस्तों, एक नज़र पलामू किला के इतिहास पर डालते हैं। प्रताप राय के शासन काल 1628 से 1658 तक है। इसी के शासन काल में यह किला बना था। प्रताप राय एक शक्तिशाली शासक थे। उनके शासन काल में मुगलों के द्वारा पलामू किला में कई बार आक्रमण हुआ। 1632, 41 और 43 में आक्रमण हुआ। प्रताप राय ने मुगलों के साथ संधि कर लिया और सालाना कर 1 करोड़ तय किया गया, जो हर साल राजा प्रताप राय को देना था। मुगल सेना कर लेने के लिए छोटे राजाओं पर आक्रमण करते थे। राजा मेदिनी राय का शासन काल 1658 से 1674 तक था। राजा मेदिनी राय पलामू के चेरो वंश में सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजा बनते ही औरंगजेब को कर देना बंद कर दिया और अपने राज्य का विस्तार किया। राजा मेदिनी राय खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। औरंगजेब जैसे शासक को बहुत क्रोध आया। उसने पलामू किला को जीतने के लिए दाऊद खां को अपने सैनिकों के साथ भेज दिया। 3 नवंबर 1660 ईस्वी को मुगल साम्राज्य के सूबेदार दाऊद खां ने पलामू किला पर आया। राजा मेदिनी राय ने अपने मंत्री के द्वारा दाऊद खां के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। दाऊद खां ने संधि का प्रस्ताव राजा औरंगजेब के पास भेज दिया और सूचना आने का इंतजार करने लगा। इससे पहले दाऊद खां ने कुंडा का किला जीत लिया था, अब पलामू किला की बारी था। औरंगजेब का आदेश आया, राजा मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और प्रस्ताव का रकम देना होगा। राजा मेदिनी राय ने औरंगजेब का आदेश को अस्वीकार कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। औरंगा नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ और चेरों ने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन मुगलों को उसने नहीं रोक पाया। अंत में राजा को पीछे हटना पड़ा। राजा मेदिनी राय अपने नए किला में चले गए। नया किला विशाल और अभेद्य था, इसलिए राजा मेदिनी राय को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह किला पर डटे रहे। जब सैनिक किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, तब राजा मेदिनी राय ने किला से गुप्त रास्ते की ओर से वे जंगल की तरफ भाग गए। सैनिक अंदर गए तो महल सुना पड़ा था। राजा मेदिनी राय सरगुजा में जाकर वह अपना शरण लिया। औरंगजेब कुछ दिन रह करके प्रशासनिक व्यवस्था किया और उसके बाद यहाँ से फौज को लगाकर पलामू किला से चल दिया पटना की ओर। पटना जाते समय यहाँ का विशाल दरवाज़ा एक शिला का था, पत्थर का
दरवाज़ा था, जिसे नागपुरी दरवाज़ा या नागपुरी द्वार कहा जाता था, उस दरवाज़ा को साथ लेते चला गए। लूट का सारा सामान अपने साथ लेते चले गए, जिसमें दो हाथी भी शामिल था। 1666 ईस्वी में राजा मेदिनी राय फिर लौट आए और सैनिकों को मार भगाए, वे खोए हुए अपना राज को वापस पाए। उजड़ा हुआ राज को राजा मेदिनी राय ने बहुत ही जल्द अपने मेहनत और संघर्ष से समृद्ध राज्य बना दिया। राजा मेदिनी राय ने कृषि पर बहुत ध्यान दिया और जल्द ही समृद्ध बना दिया। आज भी पलामू वासी के लोग कहते हैं, राजा मेदिनी राय की नगरिया घर घर बाजे मंधनिया, अर्थात हर घर में गाय थी और माठा महते थे। जब घी निकालते थे तब मंधान की सुबह सुबह आवाज़ आती थी, इसे ही कहते थे राजा मेदिनी राय की नगरिया घर घर बाजे मंधनिया। राजा मेदिनी राय के शासनकाल के समय कृषि का स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी कृषि इस समय बहुत ही समृद्ध था। अब हम सब नया किला की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहाड़ पर है। अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यह नया किला का दरवाज़ा है। अब पूरा भ्रमण करते हैं इस किला को, चलिए देखते हैं। पलामू किला ईंट पत्थर का बना है, यह लोगों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। इसकी बनावट और आकृति देखकर हर लोग हैरान रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इस किला को, यह कितना पुराना किला हो चुका है, फिर भी यह बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। पलामू में कई ऐसे किले हैं जिसमें दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, यह रात्रि के समान अंधेरा रहता है, दिन में भी दिखाई नहीं देता है। और पलामू में ऐसे ऐसे कई किले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न इस किला में कोई छड़ सीमेंट से बना है, न कहीं पर कलम दिया गया है, फिर भी यह किला किस प्रकार से खड़ा है, यह अपने आप में सोचने वाला है, यह लोगों को हैरान करने वाला है। देखिए इसकी बनावट आकृति। पलामू किला में 3 मंजिला है और कई 2 मंजिले मकान भी हैं इसमें। हम लोग अभी फ़िलहाल 3 मंजिला के ऊपर हैं। यह पलामू किला का सबसे ऊपर स्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहां से आप देख सकते हैं नीचे पूरा पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देता है अगल बगल। ये बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य। हम लोग अब मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस किला की बनावट को देखकर, कला को देखकर आपको दिल में संतोष नहीं होगा, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा ऐसा पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मठ महान कहा जाता है, यहाँ पर माठा महते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें पानी जम गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले पानी बारिश हुआ था, इसलिए आप देखिए पूरा टूटा हुआ खंडहर के रूप में यह बिखरा हुआ है। किसी समय यह किला का सुंदर आभूषण था, देखिए चट्टानों में किस प्रकार की सुंदर सुंदर आकृति बना हुआ है, आप सब ध्यान से देखिए। ये दिल को वाकई झकझोरने वाला है, इतना सुंदर आकृति डिजाइन, इतना खूबसूरत सजावट किया गया था इन पत्थरों पर। देखिए दोस्तों, उस जमाने में कितना कुशल कारीगर थे, कैसा इंजीनियर थे, जो इस तरह के डिजाइन बनाए हैं, इस तरह के तस्वीर बनाए हैं, जिसे देखकर आज भी हैरान लोग रह जाते हैं। ऐसा आज भी बनाना
पत्थरों पर संभव नहीं है। यह नया किला का मुख्य दरवाजा है, यही मुख्य गेट है जिससे दाऊद खान ने इस दरवाजा को यहाँ से ले गया था, जो यहाँ पर एक शिला पत्थर था जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है, उस दरवाज़ा को दाऊद खान यहाँ से ले गए। इस दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है। यह दरवाज़ा को देखकर हर लोग हैरान रह जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक नई खोज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए 3 मंजिला मकान के पास हम लोग पहुँचे। यहाँ पर 3 मंजिला भवन है, इस भवन पर हम लोग ऊपर चढ़ें और ये देखिए अंधेरा पूरा रहता है, दिन में भी यहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है। और ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं अभी, ये यहाँ पर ऊपर पर हम लोग हैं। फिलहाल हम लोग अभी 3 मंजिला के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। देखिए किस प्रकार से सुंदर डिजाइनिंग किया हुआ है और यहाँ से आप देखिए नीचे का दृश्य। ये बगल में आप देख सकते हैं औरंगा नदी दिखाई दे रहा है, ये औरंगा नदी के किनारे बना हुआ किला और पश्चिम साइड में सूर्य अस्त होते हुए, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आप देखें ऊपर से कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। इस किला में कई कुआं हैं दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही दिखा चुके हैं। किला की सबसे ऊंचाई में एक शिव स्थान है, यह शिव स्थान है, यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है। पलामू किला का सबसे लास्ट पड़ाव यह कमलदह है। कमलदह यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रानी यहाँ पर स्नान करती थी। इस कमलदह को देखने के लिए आए, बिल्कुल शाम हो चुका है इसलिए यहाँ का इस तरह दृश्य दिखाई दे रहा है। वीडियो के माध्यम से आपको हमने पूरा पलामू किला को दृश्य दिखाया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।